हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर, एंड इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो याद होगा तो अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 रियल नंबर्स खत्म कर दिया था और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे और मैं तुम लोगों को होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे और HCF और LCM के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम लोगों को ग्रुप पे प्रोवाइड किए थे, तो होपफुली सबने किए हैं। अगर कोई भी उसमें डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो, मुझे पर्सनली, मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करते रहे। ठीक है, और एक दो लोगों के मुझे ये भी इश्यू आ रहे थे कि क्वेश्चंस की आंसर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, तो अब से मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स भी नीचे दे दिया करूंगा ताकि तुम लोग अपने आंसर्स जो भी है वो सही है गलत है वो सब वेरीफाई कर सको। ठीक है, और एक और चीज, वो जो अपना लास्ट जो पेपर था उसका रिजल्ट आज या कल तक मैं पब्लिश कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, तो देख लेना। तुम चाहे तो अपना खुद का रिजल्ट अपने ऐप पे जाके या फिर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, रिजॉक्सी ऐप या फिर रिजॉक्सी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उस पे पूरा रिजल्ट तुम देख सकते हो अपना जो भी है, मतलब पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, सबने अच्छे से ही किया पेपर, दो तीन लोगों को इश्यू हुए थे पेपर में कि पेपर सही से सबमिट नहीं हुआ, गलत क्वेश्चन मार्क होके सबमिट हो गए, तो वो सब देखो वो इश्यू तो तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। वो इश्यू इसलिए आए थे क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से करो, बाकी वेबसाइट और ऐप पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब एटलीस्ट 100 पेपर लिए अभी तक हमने, 100 के 100 पेपर में बहुत एक दो लोगों को बहुत दिक्कत आई थी, बट वो भी उनकी गलती की वजह से दिक्कत आई थी, तो अभी तक तो कोई वेबसाइट और ऐप पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का ये वापस अगर जब पेपर लेता हूं, अगर किसी का ऐसे कुछ आता है कि रिज्यूम करने को बोल रहा है, एडमिन को कांटेक्ट करो, तो मुझे तुम लोग कांटेक्ट करो उस टाइम पेपर के लिए। मतलब तुम्हारा अगर सपोज पेपर तुम्हारा सपोज क्या होता है कि सपोज कोई ऐप से दे रहा है, तो ऐप से देते कभी किसी को फोन पे कॉल आ गया। ठीक है, तो कॉल आ गया तो क्या होता है, वो टेस्ट जो है ना ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, उसकी वजह से इश्यू हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अटक गया पेपर, चालू नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है रिज्यूम करने को। तो ऐसा कभी वापस से फ्यूचर में हुआ तो मुझे एक बार मैसेज कर दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, जो भी है बस बता दो, इन्फॉर्म कर दो मुझे कि मेरा ऐसा रिज्यूम करने, तो मैं तुम्हारा रिज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी तो पेपर था सबने अच्छे से किया, बहुत सिंपल पेपर रखा था मैंने जान बूझ के, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, टॉप शायद मेरे ख्याल से कितने 54 मार्क्स का पेपर था शायद, तो हाईएस्ट 50 ही गया है, 54 किसी का अभी तक आया नहीं है। मैं एक बार चेक करता हूँ, तो एक बार पूरा चेक नहीं किया मैंने, एक बार सारे पेपर का निकाल के एक बार रिजल्ट तुम लोग को आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर 1 जो अपना रियल नंबर्स खत्म हो गया था, वो भी एक छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, हमने उसको डीपली अच्छे से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो सब हमने कवर कर लिया था। चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स, ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा चैप्टर है। इसमें क्या है कि इस चैप्टर में पूरा पॉलीनोमियल्स के ऊपर कहानी है। जैसे कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं तुम लोगों को अभी तक तो आइडिया होगा ही, क्योंकि क्लास 9 में बहुत कुछ पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ा था तुम लोगों ने, फिर जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या होते हैं वो भी पढ़ा था। ठीक है, फिर तुमने शायद फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, पॉलीनोमियल्स दिए हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ ली थी, उसी को अपन थोड़ा सा और आगे एक स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये पॉलीनोमियल्स ना हर बार आते ही जाता है, जैसे कि तुम लोग 9 से या फिर 8 से बहुत लोग स्टार्ट हो गया होगा पॉलीनोमियल्स, 8 से हर बार पॉलीनोमियल्स चैप्टर आते जाता है। पहले बार पॉलीनोमियल्स, फिर ऑफिस से क्लास 10 में पॉलीनोमियल्स पढ़ा था, फिर ऑफिस से क्लास 12 में, 11 में जाओगे तो ऑफिस से पॉलीनोमियल्स आएगा। ठीक है, तो इसका एक और टॉपिक है, वो मतलब एडवांस वर्जन है, वो अपन 11 में पढ़ेंगे। अभी के लिए 10th के लिए बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे भी बहुत जगह यूज होते जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो इसके टॉपिक्स लिख लिए मैंने, मैं बेसिकली 5 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है बेसिक, अपन पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे किसे टाइप के पॉलीनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायक्वाड्रेटिक, ये सब ये टाइप्स बताऊंगा। पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूंगा कि टर्म्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं इसमें। ठीक है, तो वो पहले टॉपिक में जो आज अपन कवर कर लेंगे उसको आज देखिए पॉलीनोमियल्स क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, तो होपफुली सबको जीरोस तो पता ही होगा, कई बार इसको कहीं के तो अपन रूट्स भी लिखते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, कहीं के तो अपन जीरोस भी लिखते हैं, अपन जीरोस से ही जाएंगे। ठीक है, तो पॉलीनोमियल के जीरोस क्या होते हैं होपफुली सबको पता ही होगा, वो भी बताऊंगा, आप इससे मैं टेंशन मत लेना। एंड उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी उसको ग्राफिकली जब बनाएंगे उस पॉलीनोमियल को तो उसका जीरोस का मतलब क्या है, तो वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी तक क्लास 10 में नहीं पढ़ा था,
तो ये क्लास 10 में नया टॉपिक रहेगा इसके लिए, जीरो जो पॉइंट में सबको पता ही है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, 10th में तो पूछता ही है, 11th जब क्लास में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे तो इस पे बहुत, मतलब ये बेसिक जैसे कि बिल्डिंग बनती है अपना, वो नीचे का बेस है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ये देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ओलंपियाड लेवल से भी, मतलब ओलंपियाड लेवल का भी है, मतलब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं डिवीजन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आना चाहिए अच्छे से उसके लिए, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल्स के बीच में जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस के क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को फॉर्म कैसे करना है, जैसे कि जीरोस दिया है तो उससे फॉर्म कैसे करना है, तो वो सारी चीजें तो बताऊंगा। अभी तक जिसको जिनको आइडिया नहीं है क्या जीरोस होते हैं, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो तुम्हें अपने समझ में आना चालू हो जाए, ठीक है। और लास्ट में ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो सबको बहुत लोगों को आता ही है कि पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करना है, यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स है पॉलीनोमियल्स के और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मेरे ख्याल से इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार टॉपिक हेडिंग में लिख लो इसका, याद रखना ये एनटीएससी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, तो तुम्हें एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी अच्छे से देखना है। तो चैप्टर बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको एक बार सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से नोटबुक में लिखो। स्टार्ट करते हैं आज पॉलीनोमियल्स एंड देयर टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल्स एंड देयर टाइप्स आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, होपफुली सबको ये पता ही होगा, तो भी एक बार रिविजन की तरह इसको करते हैं। तो पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीनोमियल एक रिलेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन एक्स एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स में कुछ होगा, ठीक है। पॉलीनोमियल्स मल्टीपल वेरिएबल्स में, मल्टीपल वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें करना नहीं है। पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे कुछ टाइप का इक्वेशन दिखेगा, चलो मान लेते हैं पी एक्स एक पॉलीनोमियल है, तो वो कुछ ऐसे कुछ दिखेगा, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स की पावर वन यानी एक्स ही लिखता हूं और ए नॉट। तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ये क्या है, पॉलीनोमियल, ठीक है। तो पॉलीनोमियल में क्या देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स। एंड कॉन्स्टेंट जो है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल सबको होपफुली पता होगा मतलब डिफरेंस क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता हो, नाम से समझ में आ रहा है जो चेंज हो रहा है, वो जो वेरिएबल है, ठीक है। एंड ए एन बाकी जो सब ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए नॉट, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो सब्सक्रिप्ट नीचे में लिखे हैं वो सब मैंने डिनोट करने के लिए लिखे हैं कि ये जीरोथ कॉन्स्टेंट, ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड कॉन्स्टेंट, थर्ड कॉन्स्टेंट, एन माइनस टूथ कॉन्स्टेंट, ये nth constant, जितना भी n की वैल्यू है कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्स्टेंट जो है वो ये ए वन, ए नॉट, ए टू, ए थ्री, ये सारे जो है ए एन माइनस वन, ए एन, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब उनकी वैल्यू प्रोवाइडेड होती है क्वेश्चन में यूज, ठीक है। और वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। तो ये होता है पॉलीनोमियल, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, अब पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, ध्यान देना वन एक ही वेरिएबल का है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी आते हैं लेकिन तुम्हारे उसमें अभी सिलेबस में नहीं है, वो जब तुम कॉलेज में जाओगे तब मल्टीपल वेरिएबल के पॉलीनोमियल फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा जब तुम ट्वेल्थ में पहुंचोगे, अभी के लिए उसका टेंशन मत लो। अब पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स माना है, हो सकता है वो वेरिएबल वाई हो, जेड हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, यूजुअली अपन एक्स से ही मानते हैं, ठीक है। अब पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक मतलब इसको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, इसका नाम ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होपफुली सबको पता ही होगा, इसको अगर मैंने लिखा तो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी बहुत तरीके के एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं लेकिन अगर ऐसा टाइप का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो एक पॉलीनोमियल है, ठीक है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म
ऑफ द फॉर्म, ये पूरा फॉर्म लिखा है ठीक है, वेर वेर। अब यहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले एन, एन जो दिख रहा है वहां पे एन बराबर आ रहा है एन एन माइनस वन, तो एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा सोचो, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं राइट, नेचुरल नंबर ठीक है, यानी वन टू थ्री। क्या जीरो ले सकते हैं क्या, अगर एन जीरो हो गया तो ये ए जीरो यानी ये आ जाएगा, देखो ए जीरो एक्स की पावर जीरो राइट, तो ये एक्स की पावर जीरो कितना होता है वन, तो वही लास्ट का एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, तो एक कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसको हम पॉलिनोमियल में ट्रीट नहीं करते हैं यूजुअली, तो उसको अलग से रखेंगे। इसलिए एन जो है, ये जो एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर फिर नेचुरल नंबर ही होगा। फिर एंड ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन टिल ए एन आर कॉन्स्टेंट्स विच आर नोन एज, ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज है जो कि मैंने अभी बताया था, विच आर नोन एज कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक नया वेरिएबल, नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, होपफुली सबको पता होगा ऑलरेडी, बट नहीं पता है जिनको, वो क्या होते हैं ये जो ए ना ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू जो भी है ए एन, ये सब क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है ठीक है, पॉलिनोमियल्स नहीं पॉलिनोमियल ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है ठीक है, मतलब ये सब क्या है कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ सपोज इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ अगर मैंने लिखा एक्स की पावर टू तो वो क्या है ए टू ठीक है, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है तो वो ए टू है। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर सपोज मान लो एन माइनस वन तो वो क्या है ए एन माइनस वन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। अब ये मत समझना कि इसमें कि ये एन एन माइनस वन एन माइनस टू ए टू ए वन, ये जो मैंने नीचे में लिखा है ये कुछ पावर नहीं है, ये जो मैंने ए नॉट ए वन ए टू ये सब एन लिखे हैं, ये नीचे में वो सबसे बस अलग अलग कोएफिशिएंट्स है, ये बताने के लिए मैंने इनको सबको अलग अलग लिखा है। ये चाहे तो सब सेम भी हो सकते हैं चाहे तो सब अलग अलग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे कि ये टू हो सकता है थ्री फोर ये नाइन तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। सपोज एग्जाम्पल देना होगा कि क्या होता है, ये तो मैंने कोएफिशिएंट्स का एग्जाम्पल दे दिया, सपोज मुझे एग्जाम्पल देना होगा पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, तो पॉलिनोमियल ऐसा कुछ हो सकता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो ये पॉलिनोमियल है ठीक है। फिर अगर ऐसा भी हो पी एक्स एक्स की पावर नाइन माइनस एक्स की पावर सेवन प्लस एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल एक एग्जाम्पल में देखो तुम ध्यान दे सकते हो अभी, ये भी एक पॉलिनोमियल ये भी एक पॉलिनोमियल। अब दोनों में देखो ध्यान से, ये जो सपोज अगर मुझे उसने पूछा पहले वाले पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा थ्री ठीक है। फिर अगर पहले वाले पॉलिनोमियल से बोला कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट बताओ, तो ये जो लास्ट का होता है वो कॉन्स्टेंट बोलते हैं अपन उसको ठीक है, ये जो लास्ट में होता है इसको हमेशा बोलते हैं कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। यहां पर लिखा देता हूं चाहिए तो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, तुम चाहिए तो अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो इसको कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। उसके सामने एक्स की पावर जीरो रहता है, मतलब कोई वेरिएबल ही रहता बस वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है, तो कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे माइनस वन बोल सकते हो। सिमिलरली देखो अब एक और चीज, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल से एक चीज एक और चीज क्लियर क्या हो रही है कि ये जो ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए टू ए वन ए नॉट ये सब वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मतलब जैसे कि इसमें जीरो भी पॉसिबल है, जैसे कि देखो एक्स की पावर नाइन है तो लेकिन एक्स की पावर एट आना चाहिए था, देख सकते हो नीचे पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है एक्स धीरे धीरे एक एक करके घट रहा है, जैसे कि इसमें सारे एक्स थे, एक्स क्यूब भी था उसके बाद एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट राइट, लेकिन इसमें जो है इसमें एक्स की पावर नाइन के बाद एक्स की पावर एट गायब है, एक्स की पावर सेवन है एक्स की पावर सिक्स है फाइव नहीं है फोर नहीं है थ्री है टू है वन नहीं है और एक्स की पावर जीरो है मतलब कॉन्स्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरिएबल्स यानी सारे के सारे पावर्स हो ठीक है, बीच बीच के गायब भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर
100 माइनस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। देख सकते हो 100 के बाद 99 से लेके x के पावर 1 तक एक भी x की पावर नहीं है, मतलब एक भी वेरिएबल नहीं है, सीधा 100 के बाद सीधा कांस्टेंट है, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में होता क्या है, बस ये जो वेरिएबल्स है ये कुछ भी हो, बस ये एक हाईएस्ट कुछ होना चाहिए और n जो है वो याद रखना है बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर px ऐसा कुछ देखा x की पावर 1/3 - 1 ये है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर में क्या होगा, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। देख सकते हो यहाँ पे 3, 900 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पे 1/3 इंटीजर नहीं है, hence ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना से याद रखते हैं, बस ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनके एक बार अच्छे से लिखो नोट बुक में, फिर मैं बताऊंगा टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, होपफुली यहाँ से सबको आता ही होगा, तभी एक बार अच्छे से अपने नोट बुक में ये सब चीजें लिख लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है, मतलब एक चीज है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है, तो इसे डिफाइन करते हैं, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, तो जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री क्या है, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, वो डिग्री होगा ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तुम चीज उसको अलग मेथड से भी डिफाइन कर सकते हो, चलो उसको एक और लिख के नेक्स्ट मेथड से डिफाइन करते हैं, ज्यादा सिंपल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, यूजुअली x होता है, हो सकता है y, हो सकता है z, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, ये भी बोल सकते हैं, ये क्या होगा, प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, सिंपल सा एकदम। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा एक पॉलिनोमियल में, जिसका भी हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल x प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, चाहिए यहां पे लिख दो पॉलिनोमियल px, यहां पे लिख सकते हो, मैंने यहां पे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा है x, तो इसलिए इन द पॉलिनोमियल px इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलिए इसको समझते हैं क्या है, बहुत सिंपल सा है, एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज अपने पास पॉलिनोमियल है px, या फिर चलो ले लो पॉलिनोमियल, तो अपन कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, fx, px, gx, hx, lx, mx, nx, जो भी लेटर से डिनोट करना है करो, यूजुअली क्वेश्चन में fx या फिर px या फिर gx ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलो fx एक पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ 7x की पावर 7 माइनस x क्यूब प्लस 3x² प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर डिग्री निकालना है तो डिग्री कैसे निकालोगे, सीधा हाईएस्ट पावर ऑफ x ढूंढो। ठीक है, यूजुअली क्या होगा कई बार कि ये जो पावर्स है वो अच्छे से अरेंज नहीं होंगे, तो उनका हाईएस्ट पावर ऑफ x कैसे निकालो, जैसे कि देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, तो सीधा क्या लिखोगे यहाँ पे, डिग्री इज इक्वल टू 7। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर ऑफ x, देख सकते हो x की पावर 7, x की पावर 3x² है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 7। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जी ऑफ वाई, देखिए अभी मैंने वेरिएबल भी चेंज कर दिया वाई और इसका नाम भी चेंज कर दिया पॉलिनोमियल का, जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल का नाम है जी एंड वेरिएबल क्या है वन, यहां पे लिख सकते हैं डिग्री 7 ऑफ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सिमिलरली इसको भी लिख सकते, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जी ऑफ वाई वाई में आएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 7 प्लस वाई के पावर 8 माइनस वाई की पावर 9। चलो ऐसा कुछ दे दिया मैंने यहाँ पे कुछ, चलो थोड़ा सा अलग ट्विस्ट मारते हैं 3, 5। ठीक है, तो अब देखो उसने अगर पूछा इसमें कुछ कि इसका डिग्री बताओ, इसके पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो सबसे पहले देखो वाई में हाईएस्ट पावर ढूंढो। ठीक है, तो वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई पावर 8 वाई की पावर 9, तो दिख रहा है वाई की पावर 9 हाईएस्ट है, या फिर तुम इसको यूजुअली जब लिखते हो तो पॉलिनोमियल को हमेशा अरेंज किया करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो माइनस वाई की पावर 9 को सबसे पहले लिखा, फिर प्लस 3 वाई की पावर 8 को, फिर
प्लस टू वाई की पावर 7 को और लास्ट में प्लस वाई 5y³ और उसके बाद में माइनस y²। तो इसको हमेशा ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ताकि पहचानने में आसानी हो। ठीक है, पॉलीनोमियल के इनफैक्ट ऐसे ही लिखते हैं। और फिर डिग्री इज इक्वल टू 9 ऑफ द पॉलीनोमियल इन वेरिएबल y। तो इसको भी अच्छे से एक बार लिख लो। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसके बाद में बताऊंगा टाइप्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, देखो इसको अच्छे से। तो ये देखा आपने डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट, सी फर्स्ट पार्ट में से सी पार्ट तीसरा पार्ट, जो कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि पॉलीनोमियल्स का अपन ने जो मेजर एक्सप्रेशन देखा था पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, बड़ा सा एक्सप्रेशन जो था ए नॉट तक, तो उसमें देख सकते हो बस न्यूमरेटर में ही टर्म्स थे, डिनोमिनेटर का कोई भी टर्म नहीं था। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये पॉलीनोमियल नहीं है। सिमिलरली अंडर रूट में भी कोई टर्म नहीं था, अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल नहीं था, सारे वेरिएबल्स की पावर इंटीजर्स थे, x की पावर m, x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ऐसा भी अगर कुछ लिखोगे तो ये भी एक पॉलीनोमियल नहीं है। तो इसको नोट में करके लिख सकते हो, दीज टाइप्स आर नॉट पॉलीनोमियल्स। ठीक है, दीज आर नॉट पॉलीनोमियल्स, सिर्फ एक्सेप्टर अगर कैसे लिख दो, दीज आर नॉट पॉलीनोमियल्स। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। बहुत सिंपल सा टाइप है। फर्स्ट टाइप, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल, ये जो टाइप्स आते हैं वो किसके बेसिस पे आते हैं, बेसिस ऑफ डिग्री, ऐसे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पॉलीनोमियल फर्स्ट है, लीनियर पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 1, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as linear polynomial, is known as linear polynomial। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, लीनियर मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब एक डिग्री होनी चाहिए बस। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखने जाओगे, पी एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले जनरल फॉर्म बता देता हूं, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो ये इसका होगा जनरल फॉर्म। इसके अगर एग्जाम्पल देखने जाओगे तो एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, इस तरीके से कुछ मिलेंगे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या फिर जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट 5y माइनस 1, ऐसा कुछ भी टर्म्स रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, फ्रेंड्स ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल। या फिर ऐसे भी हो सकता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 या फिर 3t, 3 माइनस 5t, ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो जो भी टर्म्स है, अपॉन 6, ये सब टर्म्स है। ठीक है, याद रखना वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, तो ये सारे लीनियर पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल्स है। फिर अगर सेकेंड वाला देखने जाओगे, सेकेंड पॉइंट वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, इसके बारे में पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में ही। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि डिग्री 1 का था, अब ये क्या जाएगा, अब पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, वो फिर से पे क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब क्या, डिग्री 2 होना चाहिए, लीनियर पॉलीनोमियल मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। अगर इसका अगर बेसिक फॉर्म देखा जाए तो उस तरीके से देखेगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। कई किताबों में इसको जनरल फॉर्म इसका ऐसे भी दिया जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों सेम ही चीज है, यहाँ पे बस ए टू ए वन ए नॉट जो तीन कॉन्स्टेंट्स है उनकी जगह बस मैंने लिखा है ए बी सी, तीन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तुम इसको रिप्रेजेंट करो ऐसे या फिर ऐसे, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ए बी सी, ए टू ए वन ए नॉट, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब याद रखना एक और चीज, यहां पे ए वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहां पे ए टू इज इक्वल टू ए, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, यहां पे ए वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यों, अगर ए वन जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया
तो ये x की वैल्यू हट जाएगी, सोच सकते हो 0 इंटू x तो 0 बन जाएगा, तो लीनियर बचेगा क्या ये? नहीं, ये तो बस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इधर भी देखो कि यहाँ पे अगर a2 0 हो गया तो ये एक a1 x plus a0, ये एक लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक चाहिए ना। तो इसीलिए जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसलिए अपने जो एक और चीज में यहाँ पे इससे एक और याद आया कि जब अपने वो बड़ा सा एफ एक्स लिखा था पीएक्स ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, उसमें जो लिखा था उसमें बस एक और ऐड कर देना ब्रैकेट में ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट होता है एक्स की पावर एन यानी उसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बनेगा। जो भी हाईएस्ट पावर है, जैसे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देखे जाएंगे तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल से होंगे, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, या फिर जी ऑफ वाई, या फिर चलो एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ वाई लिया तो वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये भी चलेगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बी या सी जीरो हो सकते हैं, फिर ए वन ए नॉट जीरो हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो लीनियर बन जाएगा, हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए ना। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो चाहिए तो जी ऑफ टी, ठीक है, वन बाय सेवन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी बाय नाइन, जो भी है ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सेट्रा करके लिख दो, यहाँ पे भी एक्सेट्रा करके लिख सकते हैं। तो ये रहा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और भी दो है वो भी बताऊंगा और उसका क्लास खत्म करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की, अगर टाइम नहीं कम रहेगा तो अपन सीधा खत्म कर देंगे लास्ट के दो करके, ठीक है। पहले इतना चीज लिख लो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सबको पता ही ऑलरेडी, बेसिक रिविजन की तरह आज का लेक्चर होगा तुम्हारे, ठीक है, लिखो इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो है वो थर्ड यानी क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसमें क्या है कि डिग्री क्या होगा? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज नोन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा एकदम थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका भी अगर फॉर्म देखा जाए तो फॉर्म भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, पी एक्स इज इक्वल टू थर्ड डिग्री है तो ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, या फिर अगर तुम्हें अगर इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो दोनों फॉर्म वन ऑफ द सेम थिंग है, बस यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को डिनोट करने के लिए अलग वेरिएबल्स अलग लेटर्स यूज किए बस, ठीक है। वापस से इन दोनों में क्या लिखना है कि ए थ्री एंड ए दोनों सेम है बट दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वही टर्म जीरो हो गया, इसको नीचे ही लिखते हैं फालतू में कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखते हैं ए थ्री इज इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हियर ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी लिख लेते फटाफट खत्म कर लेते इसी को आज। सपोज एग्जांपल देखा जाए क्यूबिक का तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, पी एक्स अगर देखा जाए तो तुम लोग ये लिख सकते हो एट एक्स क्यूब, एट एक्स क्यूब भी एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। सपोज जी ऑफ वाई लिखते हैं तो वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल है क्यूब, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, थ्री, ठीक है। सपोज ये वाला लिखते हैं चलो टी के वेरिएबल टी है यहाँ पे, ठीक है, तो वन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जो भी है बस हाईएस्ट पावर या फिर एट एक्स क्यूब ऐसे लिख दो, बस हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ये क्यूबिक अगर नहीं हुआ, अगर यहाँ पे थ्री का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो स्क्वायर बन जाएगा यानी क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और लास्ट का देखा जाए तो एक और बचता है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सिलेबस में अपने को इतना ही है, इलेवन ट्वेल्थ में भी इसके ऊपर नहीं पूछता है वो, बाय क्वाड्रेटिक जो है वो सबसे लास्ट वाला है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो क्वाड्रेटिक मतलब दो था, अब बाय क्वाड्रेटिक मतलब दो गुनी चार, दो गुनी चार, ठीक है। तो सिंपल सा है अब पॉलीनोमियल, और होपफुली सबको समझ में आ ही रहा होगा अभी तक, तो लिखते जाओ फटाफट। अब डिग्री थ्री हो गया, अब नेक्स्ट फोर इज नोन एज बायक्वाड्रेटिक, ठीक है, बायक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
इसका नाम याद रखना, बहुत लोगों को नाम भूल जाओगे तो इसको भूलना नहीं अच्छे से। इसका अगर फॉर्म देखा जाए तो इस तरीके से आएगा, ए फोर एक्स की पावर फोर, ए थ्री एक्स क्यूब, ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। या फिर इसको कई किताबों में ऐसे भी यूज करते हैं, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस बी। तो दोनों सेम बने, सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करना है ऐसे डिनोट करो, या फिर नीचे वाले मेथड से डिनोट करना है नीचे वाले से डिनोट करो। वापिस से ए फोर और ए दोनों मान लेना सेम थिंग है और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसके, अभी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस वन ले लो, तो ये क्या है, बायक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अगर तुम्हें लेना जी ऑफ वाई ले लो, ठीक है, तो जी ऑफ वाई में सपोज ऐसा कुछ ले लो वाई की पावर, अरे यार यहाँ पे मैंने गलती दी थी, यहाँ पे वाई की जगह एक्स की जगह वाई लेना, ठीक है, वेरिएबल मैंने वहां पे गलती से एक्स ही लिख दिया था, और यहाँ पे एक्स की जगह टी ले लेना। अगर मैंने पिछले वाले में गलती की होगी तो देख लेना उसके हिसाब से, बस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो वेरिएबल है उसके हिसाब से वो बाहर आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे वाई के टर्म में आएगा तो वाई क्यूब माइनस वाई की पावर फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन जो भी है, ठीक है। और फिर अगर एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो एफ ऑफ टी ले लेते हैं, टी की पावर फोर माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। फिर एक्स्ट्रा के और भी एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हो, बस याद रखना चाहिए बायक्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लो, तुम लोग बाद में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, या फिर एक अभी नेक्स्ट एक और स्लाइड होती है, इस नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन है वो तुम लोग को ही करना है, इसमें मैं कुछ डिफिकल्ट में कुछ कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसमें आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखो, एक और नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन होंगे उसको तुम्हें करना। चलो फिर आज मैंने लास्ट पे क्वेश्चन देके रखे हैं, ठीक है, तो टोटल 12 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, तुम्हें 12 के 12 पार्ट्स कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर तुम लोग सब खत्म कर लोगे। इनफैक्ट फटाफट डिग्री लिखनी है, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल लिखना है, याद रखना वेरिएबल भी इतना अच्छे से, जैसे कि अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो वेरिएबल एक्स में है, यहाँ पे सी है तो ये सी कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज बहुत हो जाए ना कि दो वेरिएबल कैसे आ गए, वो वेरिएबल नहीं है, सी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो प्रोवाइडेड होती है यूजुअली क्वेश्चन। तो ये तुम्हें कैसे लिखना है आंसर, ऐसे लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ऐसे इसको भी लिखते जाओ बाकी क्वेश्चन पे, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके नोटबुक में रखो, आज तुम लोगों को इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आज तुम लोगों का टेस्ट चेक करके तुम लोगों को आज मिल जाएगा, तो इसको एक बार अपने नोटबुक में अच्छे से एक बार लिख लो, बाकी खत्म करते हैं यहीं पे आज, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय।